Hello, student. Good morning. Again, we start a new chapter, Early History of Deccan and South India. In this chapter, we discuss about Megalithic culture, Early History of South India. Then, now start. Through Megalithic culture spread over the whole India, its main concentration was in Deccan, South India, the northeast of Kashmir, till द सेकेंड सेंचुरी बी सी ई मैंने एक्चुअली तो मेकालथिक कल्चर जो था वो पूरे भारत में फैला हुआ था लेकिन उसका मेन कंसनट्रेशन जो था वो कहाँ पाया गया है तो दक्कन में साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में टिल द सेकेंड सेंचुरी बी सी दिस रीजन वॉज द होम ऑफ पीपल वो ब्यूरिड देर डेड एंड इरेक्ट बिग पीस ऑफ स्टोन कॉल्ड मेकल्थिक्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये उन लोगों का हो होम्स बताया गया है होम्स ऑफ पीपल व्यू ब्यूरिट डेड एंड बिग पीस ऑफ स्टोन्स अपने जो भी डेड बॉडीज होती थी उनको वो वहाँ पे रख करके दफना करके उसके बाद चारों तरफ से पत्थर से घेर दिया करते थे अराउंड द ग्रेप्स हैंस देर नॉन एज मेगाथिक बिल्डर उन्हीं को मेगालथिक बिल्डर कहा जाता है लार्ज नंबर ऑफ़ huge स्टोन monuments हैव बीन फाउंड मोस्टली इन ग्रेनाइट एरिया इस तरह के बहुत सारे monuments कहाँ पाए जाते हैं तो ग्रेनाइट्स एरिया में पाए जाते हैं ठीक है वेरी often an entire sites was मार्क by प्लेसिंग huge राउंड stones इन अ circle. उस जगह पर बहुत सारे circle की तरह बने हुए राउंड स्टोन देखने को मिलते हैं दिस स्टोन circle वर व फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मेगालथिक कल्चर इन साउथ इंडिया और यही स्टोन सर्किल जो है वो पहला इंडिकेशन है मेगालैथिक कल्चर का साउथ इंडिया में और अब अभी आपके पास अगर बुक होगी तो आप बुक लेके बैठेंगे तो और ही बेहतर हो रहेगा समझने के लिए द रिमेन्स ऑफ स्केलेटन ऑफ दैट पीरियड शो दैट द मेगालथिक पीपल हैड अ स्ट्रॉग बिल्डर विथ ब्रॉड बोन्स थिक स्कल एंड प्रोटीडिंग टेथ अब बोला क्या कि तो द रिमेंस ऑफ स्केल्टन उस मैं क्या जो स्केल्टन्स के रिमेंस मिले हैं उससे ये पता चलता है कि मैगालिथिक पीपल्स जो थे वो बहुत ही स्ट्रांग uh, थे ठीक है और द डिस्कवरी ऑफ द रिमेंस ऑफ पॉट्रीज एंड आयरन ऑब्जेक्ट एट ब्यूरियल साइट्स इंडिकेट दैट दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डैथ और जो ब्यूरियल साइट्स पे जो पॉटरीज मिली हैं पॉटरीज के अंदर जो सामान मिले हैं उससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे वो ये चाहते थे वो ये विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद फिर जीवन है सच साइट्स हैव बिन डिस्कवर एट मैनी प्लेस इन दैकन एंड साउथ इंडिया एलोंग विथ कल्पा नायकुंड मौजरी इन महाराष्ट्र ये साइट्स महाराष्ट्र में पाए गए हैं और एंड ब्रह्मागिरी हरदनहली ताकलघाट एंड मास्की इन साउथ इंडिया ये जो साइट्स हैं इन जगहों पर पाए गए हैं अर्लियर द आर्कोलॉजिस्ट बिलीव दैट मेगालिथिक पीपल वर नोमैडिक हंटर एंड फूड गैदरर बट द डिस्कवरी ऑफ एक्स हैमर प्लग शेयर एंड स्किल्स रिलीव दैट देवर एग्रीकल्चरिस्ट पूरा कि अर्लियर शुरुआत शुरुआती समय में आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये बिलीव कर लिया था कि शायद ये जो कल्चर में जो लोग थे वो नोमार्ट्स थे हंटर्स थे फूड गैदरर्स थे लेकिन जब आ, इ, उन साइटों से जब ये हैमर प्लग और स्किल्स जब बरामद हुए तो उनसे पता चलता है कि नहीं ये नोमार्ट्स नहीं थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे थ्रू एग्रीकल्चर वॉज नॉट मच एडवांस दे प्रोबेबली रागी एंड पैडी

जिससे कि पता चल क्या है कि शायद वो लोग शिव की पूजा आराधना भी किया करते होंगे डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स एट मैनी साइड्स द मेगालिथिक पीपल वर द फर्स्ट आयरन यूजर ऑफ़ साउथ इंडिया दे यूज टू मेक देयर टूल्स वीपन्स एंडसिल्स अब इन साइट्स को देखने से ये पता चलता है कि जो मेगालिथिक पीपल्स जो थे वो पहले यूजर थे इसके आयरन के

सम पोट स्टिल रिटेन अ शाइनी पॉलिश और कुछ पोट्स ऐसे भी मिले हैं जिसमें बहुत ही अच्छी खासी पॉलिश की हुई थी द पोट्री पीसेज ऑल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शन विच मे वी द ट्रेडमार्क ऑफ द पोटर्स और कुछ इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए मिले हैं उन पोर्ट्स के ऊपर जिससे एक ये पता लगाया जा ये जाना जाता है कि ये पॉटर्स लोगों के ट्रेडमार्क हो, होते होंगे सम आर्कोलॉजिक बिलीव दैट द मेगालथिक पीपल ऑफ़ साउथ इंडिया एंड दन वर इन्वेडर्स फ्राम वेस्ट एशिया कुछ आर्कोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो साउथ इंडिया मेगालथिक पीपल्स जो थे वो इन्वेडर्स थे वेस्ट एशिया से वो लोग आए हुए थे देयर कल्चर क्लोजली रिजम्बल्स दैट ऑफ मेगालथिक पीपल ऑफ़ आयरलैंड इनका जो कल्चर था वो क्लोजली रिलेटेड था आयरलैंड के लोगों से द मेगालिथिक कल्चर गेव राइज टू द सातवाहना कल्चर द आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस इंडिकेट दैट द मेगालिथिक पीपल कम फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया बाय सी रूट्स ये कैसे आए होंगे तो ये सी रूट्स से आए होंगे आयरलैंड से दिस वोल रूट्स इज मार्क्ड बाय सिमिलर मेगालिथिक इट इज़ क्वाइट प्रोबेबली दैट द इंसटर ऑफ मराठास कन्नड़ तेलुगू एंड तमिल आर द मेगा पीपल इसमें यह भी विश्वास किया जा रहा है कि मे बी कि मराठा कन्नड़ तेलुगू और तमिल के जो एंसेस्टर्स एनसेस्टर पीपल जो थे वो आयरलैंड से आए हों इन डू यू नो इन सम एरिया लार्ज नंबर ऑफ फ्यूनल्स यू अर्नस फिल्ड विथ एश एंड चार्ज बोन्स हैव है बोला कि इस तरह के बहुत सारे अंतिम संस्कार किए हुए कलर्स कलर्स के अंदर ऐश भर के राख भर के जो है मिले हैं इट इज़ अ स्ट्रेंजर दैट इन स्पाइट ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन मेगालिथिक पीपल डिड नॉट अटैम्प्ट टू क्लियर द फॉरेस्ट अब यहाँ पे एक चीज़ सोचनीय बात हो जा रही है कि मेगालिथिक लोगों लोगों के पास तो औजार तो थे लेकिन जो मैदानी भागों में डेंस जंगल थे डेंस फॉरेस्ट थे उसको उन्होंने क्लियर नहीं किया उसको क्लियर करके उन्होंने उतने अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं किया ठीक है द अर्ली हिस्ट्री हिस्ट्री अर्ली हिस्ट्री रीजन ऑफ साउथ ऑफ इंडिया एंड नर्मदा द कॉल दक्कन वॉज नॉन एज दक्षिण पंथ इन अर्लियर टाइम द सातवाना इमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम इन दक्कन अब दक्षिण में दक्कन में कौन सा पावरफुल किंगडम आ रहा था तो सातवाना किंगडम जो था बहुत ही पावरफुल किंगडम आ रहा था दे वर हाईली इंफ्लुएंस बाय द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ मौरियन देर रूल कंटिन्यू फॉर देर थर्ड सेंचुरी बी सी टू फोर्स्ट सेंचुरी बी सी फॉर अबाउट फोर हंड्रेड ईयर्स अब सातवाहाना लोगों ने यहाँ पर चार सौ वर्षों तक शासन किया किंग शिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना किंगडम गौतमीपुत्र सती कर्णा वॉज द ग्रेटेस्ट सातवाहना रूलर ही कॉन्ड लार्ज टेरेटरी एंड एक्सटेंड द सातवाहना किंगडम गौतमी पुत्र सतिकर्णा ने अपनी टेरिटरीज का विस्तार किया और सातवाना किंग को किंगडम को आगे बढ़ाया देन सन वशिष्ठ पुत्र पुलवामी सेट इज कैपिटल एट प्रतिस्थाना नाउ पाइथन इन महाराष्ट्र यजन सारी सतिकर्णा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सातवाहना डेनेस्टी यजन शारी सतीकरण जो था वो लास्ट रूलर था कहाँ का सातवाहना डेनेस्टी का द सातवाना रूलर बिलीव इन द डिवाइन पावर ऑफ किंग सातवाना रूलर जो विश्वास करते थे दैव शक्तियों के किंग के पास कुछ दैव शक्तियाँ हैं दे डिवाइड द टेरिटरी एंड प्रोवाइड प्रोविंस फॉर इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़िशियंट बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रोविंस को जो था वो अलग अलग भागों में बांट कर रखा था जिससे कि वो अच्छा से शासन चला सके देर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज्म वो हिंदुज्म के फॉलोअर्स थे हिंदू धर्म के दे वर्कशिप विष्णु एंड शिवा मैनी बुद्धिस्ट चैत्यास टेम्पल एंड वी हार्स वर ऑल्सो बिल्ड डूरिंग दूरिंग दिस पीरियड द रॉक चैत्या हॉल केव्स एट करेल इन पुणे करेल कहाँ पर तो पुणे में है इन अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ केव्स आर्किटेक्चर दे ऑल्सो बिल्ड ब्यूटिफुल स्तूपाज द स्तूपा ऐट अमरावती हैज़ क्रेवड पैनल डिस्पैचिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा उस जो अमरावती में केव्स है वहाँ पर क्या किया गया है तो अलग अलग सीन्स बनाए गए हैं बुद्ध के जीवन से रिलेटेड द सातवाना रूलर बिल्ड रोड एंड शिप टू इनकरेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड सातवाना रूलर्स ने रोड्स बनाए शिप्स बनाए जिससे कि वो इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा जा सके दे हैड ट्रेड रिलेशन विद रोम अरब ईरान इजिप्ट बर्मा मलय दे ट्रेड इन वाइन कॉपर टीन पीसीस स्टोन ए इन सारी चीज़ों का भी वो ट्रेड किया करते थे क्या क्या वाइन कॉपर टीन प्रीसियस स्टोन द ग्रेट सातवाना डेनेस्टी केम टू एन एंड इन 2020 थाउजेंड ट्वेंटी सी ई द इम्पायर केम इन टू हैंड ऑफ राष्ट्र कुट्रा इन महाराष्ट्र द पल्लवर्स इन कांची एंड द इशवाको इन आंध्रा रीजन अब क्या होता है द ग्रेट सातवाना डेनेस्टी केम टू एन एंड दोस्त टू हंड्रेड ट्वेंटी सी में उनका इसका डिस्ट्री खत्म हो गई तो अब किसके हाथों में शासन गया तो राजकुट्रा पल्लव और ईशवाकू आंध्र, आंध्रा रीजन नाउ साउथ इंडिया अब यहाँ पे एक नई स्टोरी शुरू हो रही थी साउथ इंडिया की तो साउथ इंडिया में उस समय क्या घटनाएं घट रही थी भाई इससे पहले हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हम आयरन आयरन सिविलाइजेशन हुआ चाहे मॉरन डिस्ट्री के बारे में सुन पढ़ा हमने अब उसी के साथ साथ अलग स्टोरी चल रही थी कहाँ पे तो दक्षिण भारत में वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं द साउथ इंडिया द टेरिटरी ऑन द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा तुंगभद्रा एक्सटेंड अप टू द कन्याकुमारी नॉन एज साउथ इंडिया कर्नाटक रीजन वो टेरिटरी साउथ ऑफ रिवर कृष्णा कृष्णा नदी के साउथ में और तुंग तुंगभद्रा एक्सटेंड अप टू कन्याकुमारी कन्याकुमारी तक उस पूरे एरिया को साउथ इंडिया कहते थे और कर्नाटक रीजन में आता था वो इन द लेटर पीरियड ऑफ मेगालिथिक कल्चर थ्री किंगडम्स इमर्ज पावरफुल इन साउथ इंडिया देवर चोलाज पांड्यास एंड चेरास संगम लिटरेचर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड अब बोरा उस पीरियड का हमें जानकारी कहाँ से मिला तो उस पीरियड के बारे में जानकारी हमको संगम लिटरेचर से मिला है इसके अलावा थ्रू वी ऑल्सो फाइंड इट्स रेफरेंस इन अशोका इंस्क्रिप्शन महाभारत जातक स्टोरीज एंड ट्रैवलर अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स फॉरेन ट्रैवलर्स के जो ट्रैवल अकाउंट है उससे हमें ये सारी जानकारी मिलती है अब हमने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ा था कि संगम देखिए संगम लिटरेचर क्या है तो तो क्या है तमिल पोएम्स प्रजेंटेड बाई पोएट्स एट संगम डिस्क्राइब द इवेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ टाइम दैट टाइम दे वर कॉम्पेल्ड फ्रॉम संगम लिटरेचर थ्री संगम्स वर हैल्ड एट मदुरईवर अ पीरियड ऑफ थ्री टू फोर सेंचुरीज तीसरी से चौथी सेंचुरीज के बीच में जो थी संगम हुआ करते थे संगम में क्या होता था तो संगम के समय तमिल पॉइट्स जो वहाँ पर जुड़ते थे और उस समय के इतिहास का वर्णन किया करते थे अपने काव्य के द्वारा पोइट्रीज के द्वारा द चोलाज द चोला किंग किंगडम ऑफ चोला रूल ओवर आउट इंडिया बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लर रिवर द एक्सटेंड ऑफ देयर रूल्स वाज ऑलवेज चार्जिंग ड्यू टू डिफीटेड और विक्ट्री इन अ अवार अब क्या है चोला का क्या हाल था तो वो आपस में ही अपने नेबर के साथ नेबर रीजन के साथ अपने टेरेटरीज़ को डेवलप को विस्तार करने के लिए आपस में उनकी हार जीत हो होती रहती थी द चोला सेटअप देयर कैपिटल एट कावेरीपट्टनम चु चोलाज ने अपनी राजधानी कहाँ सेटअप की तो ये कावेरीपट्टनम में कावेरीपट्टनम में सेट की बट लेटर दे शिफ्ट इट टू तंजौर एंड गंगा गंगाई कोंडा चोलापुरम गंगाई कोंडा चोलापुरम ये देखिए कितना बड़ा शब्द है हाँ गंगाई कोंडा चोलापुरम एकॉर्डिंग टू द संगम लिटरेचर किंग कराइकल डिफीटेड द चेरास पांडेर्स एंड इवन श्रीलंका कराइकल फॉलो द वेरिक रिलीजन ही डेवलप ट्रेड एंड इंडस्ट्री ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी अब उसने उसके पास क्या था भाई तो श्रीलंका तक उसने पहुँच बना दी अपनी आप यहाँ मैप में भी देख रहे हो यहाँ पे जो मैप है यहाँ पे अब जो हम देख रहे हैं कि पांड्यास ठीक है चेरास पांड्यास एंड इवन श्रीलंका कराइकल फॉलोड द ही ही डेवलप ट्रेड एंड इंडस्ट्री ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी ही गिव रॉयल पैट्रोनीज टू तमिल लिटरेचर सब्सिक्वेंटली द चेरास पांड्यास एंड लेटर पल्लवस कॉन्क्यूर द टेरिटरी ऑफ द

वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग ऑफ पांड्या डेनेस्टी तो पांड्या डेनेस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन था भी तो नंदू जलम था द किंगडम ऑफ द पांड्याज प्रपोज फ्रॉम ट्रेड विथ द रोमन्स उस समय वो लोग रोमन्स लोगों के साथ ट्रेड रिलेशन था उनका द ट्रेड ऑफ पर्ल्स वॉज डेवलप्ड बाय द पांड्यास और मोतियों का जो व्यापार शुरुआत किया था जिन्होंने डेवलप किया था वो कौन थे तो पांड्याज थे द फेमस असेंबली ऑफ संगम हैल्ड एट मदुरई ड्यूरिंग द पांड्याज रूलर पांड्याज रूलर के समय ही मदुरई में जो संगम हुआ था दैट देवर ग्रेट पैट्रेज लिटरेचर द रूल्स ऑफ पांड्याज रूलर्स ऑफ पांड्याज कंटिन्यू अपलिफ्ट द इलेवेंथ सेंचुरी सी ई वैन द पावरफुल चोला किंग प्रंट प्रांटक फर्स्ट कैप्चर मदुरई एंड डिफीट द पांड्यास और चोला किंग ने एक बार क्या किया पांड्यास को डिफीट किया देन चेराज द चेरा किंगडम ऑफ केरलापुत्रा कंजिस्ट ऑफ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन सी एंड वेस्टर्न घाट ओवर मालावार कोचिंग एंड त्रावनकोर पार्ट ऑफ द मॉडर्न केरला एंड तमिलनाडु वांगची वॉज द कैपिटल ऑफ चेराज किंगडम किंगडम की कैपिटल क्या थी तो चेराज किंगडम की कैपिटल वांगची थी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ चेरा किंगडम टू ग्रेट टू ग्रेट रूलर्स ऑफ चेरा डेनेस्टी और नंदूजेलम और सेन गुप्तावन द हैड ट्रेड रिलेशन विथ रोम एंड इजिप्ट यहाँ पे कहाँ पे रिलेशन था उनका तो रोम और इजिप्ट से क्या रिलेशन था ट्रेड रिलेशन था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था द संगम लिटरेचर टेल अस दैट द टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साउथर्न किंग वॉज डिवाइडेड इनटू फाइव जोग्राफिकल एरिया उनका जो टेरिटरी था फाइव जियोग्रफिकल एरिया में डिवाइड था तो जोन कौन कौन से हिल्स एंड फॉरेस्ट हिल्स और फॉरेस्ट को कुंजी लैंड मल्लई फर्टाइल लैंड कोस्टल लैंड नैती एंड एरिड लैंड द किंग वॉज एसिस्टेड बाई एडवाइज बाई अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही मैंटेन अ लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर्स हॉर्स एलिफेंट एसेट्रा दोल्जर्स पेट्रोल द रोड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मर्चेंट अब हो जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो रोड पर पे पेट्रोलिंग किया करते जिससे कि व्यापारियों की रक्षा की जा सके सोसाइटी एंड रिलीजन्स तो सोसाइटी कैसी थी उस समय की द सोसाइटी द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज ऑल्सो कास्ट इल रिडेन लाइक नॉर्थ इंडिया काम दोनों एक ही जैसे हो रहा था जैसे नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम चल रहा था सोसाइटी जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बटी हुई थी उसी तरह नॉर्थ इंडिया में भी वही हाल था द ब्राह्मण एंड द क्षत्रिय डोमिनेट द अदर कास्ट The king donate large piece of land to temple, which were the center of worship as well as administration, culture and meeting place. To solve the problem, the worship of God Vishnu become popular. The people living along the sea coast also worship She God and God murgan God murgan is Kartike. In North India, some peoples also follow Buddhism and जैन The द पीपल ऑफ़ साउथ इंडिया लव म्यूजिक डांस They दे सेलिब्रेट and एंड फेस्टिवल्स इन द लेजर टाइम और वो लोग फेयर और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते थे जब अपने खाली समय में रहते थे अब ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल दे यूज प्लग शेयर स्किल सम अदर टूल्स फॉर कल्टिवेशन द ग्री राइस शुगर केन पल्सेज स्पाइसिस एट्सेट्रा The king built canals for irrigation. Land revenue and trade were the most important source of the state income. All the three kingdoms had trade relations with many countries like Egypt, Rome, Arab, Malaya, and China. Small merchants lived along the coast. Muziris, Kaveri Patanam, Korekai were the important trade center of Cholas, Pandyas, and Cheras. Irrespectively, the main items of trade were pearls precious stones textiles ivory the foreign traders brought copper tin glass wine gold silver etc. to india the foreign traders say oh yes copper tin glass wine gold यह सारी चीज़ें लेकर के व्यापार कर यहाँ से जाया करते थे द ट्रेड कॉन्टेक्ट हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन अ कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और इसी ट्रेडिशन ने भारतीय संस्कृति को साउथ ईस्ट एशिया में भी फैलने का मौका दिया ना तो इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट